वेरी गुड इवनिंग। शाम का 5:30 हो रहा है और मैं होने जा रही हूँ आज तैयार। ये वाली टी शर्ट मैंने जब मंगवाई थी, जो प्रीति यहाँ पे हमारे पास आई थी, मतलब अप्रैल, हाँ अप्रैल में, और ये वाली जीन्स जो प्रीति पहनती है ना, एक कौन सा कलर है वो, बैंगनी पर्पल कलर है, पर्पल एंड येलो हम दोनों ने साथ में ली थी, बट मैंने, मुझे मौका ही नहीं मिला पहनने का, तो आज मैं इसको पहन रही हूँ। इसको निकाला है और मुझे लगता है जब मैंने ली थी तब शायद, मुझे शायद लगता है कि बड़ी हो पर शायद आई जाए पूरी, तो मैंने ली थी येलो। प्रीति कह रही येलो मैं तो पहनूंगी नहीं, मैं वो पर्पल पहनूंगी, तो उसने पर्पल पहनी, तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा चलो इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन करके डालते हैं, आई डोंट नो कैसा लगेगा। और ये ना मैंने 12 नंबर लिया है, मुझे ना 10 नंबर आता है इसका। वैसे ये जो यूके यूके मुझे ना यू यू में बड़ा वो होता है, ये मुझे ना 10 आता है, पर मैंने 12 ले लिया था उस टाइम पे। एग्जैक्ट टाइम 5 बज गया। होने से पहले ना, मतलब मैं अपना सामान सारा निकाल के रखती हूँ। पीली पैंट और ये चप्पल, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छी, मैं पता है सिर्फ एक चीज लेने जा रही हूँ, हरी मिर्ची। घर पे नहीं है और उसी बहाने से मैं चल थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और मंदिर में माथा टेक के आऊंगी। हाँ, और एक चीज लानी है मुझे, कंफर्ट। कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट के बिना सर्दियों में ना कपड़े धुल के फिर उसमें से ना स्मेल सी आती है, तो मैं कंफर्ट ले आती हूँ। कंफर्ट बहुत लगता है, मेरा चीज तो बिल्कुल अच्छा नहीं निकला है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से तैयार होके जाऊँ। ऐसे लगाई हुई है ऊपर से ऐसे, तो इसके नीचे से ऐसे करके जाना पड़ता है। गाड़ी से इसलिए जा रही है क्योंकि 8.9 किलोमीटर वॉक मेरा कंप्लीट हो गया, साफ करने वाली हो गई है। पैसे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, 10 रुपये का मिल गया, 100, 120, 130 हो गया। फुल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये, आई डोंट नो कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। येलो पैंट है, वाइट टी शर्ट है। भारत बोल रहे थे कि लोग तो यार उम्र के साथ, जब उम्र बढ़ती है ऐसे हरकतें, पीली लाल पैंट कह रहा, यंग एज में अच्छी लगती हैं, जब जवानी आती है। तू तो यार बुढ़ापे की तरह जा रही है, तू तो अभी अतरंगी हरकतें कर रही है। मतलब पहले मैं बहुत लाइट कलर्स पहनती थी, बट अभी मैं बहुत उठ में से कलर पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पीली पैंट दिखाई थी जब उनको, तो कह रही ये मुझे पीली पैंट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो पीली पैंट है और ये वाला फ्रोजी शूज, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, आप लोग बताना कमेंट करके यार। और ये भी मैचिंग हो गया। मैंने पी चाय और थोड़ी सी घूम ली मैं, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम के टाइम पे ना यहाँ पे हर रोज़ इतना रश होता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स चाय कॉफ़ी कुछ भी, सीसीडी भी आते हैं, सीसीडी के साथ ही एक और कैंटीन है, वहाँ चाय मिलती है, तो सब लोग वहीं पे आते हैं। भारत बोल रहे थे मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, तो मैंने मतलब वो घर आने के लिए बोल रहे थे, फिर मैंने बोला मैं बस आ ही रही हूँ, फिर वो इधर आने को बोले, मैं कहा बहन दो आपने क्या करना इधर आके, क्योंकि मैं तो बस निकल ही रही थी। बोले तेरे को अकेले ही ज्यादा मजा आता, मैं कहा हाँ ऐसा ही है, कभी कभी ना अकेले की कंपनी को भी इंजॉय करना चाहिए, है ना, ऐसे थोड़ी हमेशा पति को साथ में लेके आना है। यार देखो 6:25 हो गए, आए कमरे को, आराम से बैठे यहाँ पे, थोड़ा इंजॉय किया, एक मेरी फ्रेंड मिल गई मुझे। इंजॉय मीन्स कि अच्छा लगता है अपनी ही धुन में मस्त होके। जैसे वॉक भी कंप्लीट हो गई, 9 point something हो गई मेरी अभी तक वॉक कंप्लीट, तो बस मुझे 10 किलोमीटर का मेरा टारगेट होता है। मेरे को ऐसे ही लाइक कैसा होता है कि चलो अभी मैं 7 किलोमीटर भी कर सकती हूँ, तो जब सब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर घूमने का मजा ही कुछ अलग। और कितने दिन के बाद दिखाई दिया, जब भी मैं मोर को देखती हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि आप सबको भी दिखाई। आईटी में ना एकदम आप नेचर के बहुत क्लोज हो, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी लगाई पार्किंग पे और धनिया लिया, हरी मिर्चा ली, कंफर्ट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं फिर दूसरी दुकान पे नहीं, मुझे लगा ये आ जाएंगे फिर क्या करना। अभी ना मेरे को वो दिन याद आ रहे थे जब मैं आफ्टर 12th बाहर पढ़ने के लिए गई थी, मुझे लगता है जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना ऐसे मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाना, मुझे लगता है हस्बैंड को छोड़ना हो चाहे घर वालों को तो कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, अदरवाइज फिर आप रह जाते हो ऐसे ही। तरक्की करने के लिए कुछ एक जगह कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ना, फिर नहीं तो फिर आप सोचते रह जाओ। ये टाइम रहते हुए अगर हम कदम उठा ले, वैसे भी मैंने 15 में शादी हुई, 20 और 22 तक यही सोचा है कि हस्बैंड के साथ रहना है, हस्बैंड के साथ रहना है ना,
हस्बैंड मेरे बोलते हैं यार जिसने करना होता ना वो कर लेता है। मैं क्या यार भारत तुम्हें पता है कि जब मैं सोचती हूँ मैं कर लेती हूँ तो बोलता फिर ठीक है फिर ये भी अगर तुझे करना होता ना तो कर लेती बातें ना बनाती। तो फिर मुझे पूछाते मैं क्या बताऊँ यार कि मुझे आपकी टेंशन हो जाती है ना और इतनी सारी चीज़ें देखती हो तो फिर सब लोग मुझे बोलते हैं मदर इन लॉ भी कि तू साथ में होती हो तो मेरे को टेंशन नहीं होती। दिल को ये दिल समझता ही नहीं है। इश्क कम वक्त क्या बोलते हैं कम वक्त इश्क चीज़ ही कुछ है। इसी को आई थिंक प्यार कहते हैं या प्यार पे पर्दा पड़ गया है क्या बोलते हैं उसको। मुझे डायलॉग ना बहुत गलत डायलॉग मारती हूँ। मैंने ये काटी है हरी मिर्ची अदरक को थोड़ा कद्दूकस कद्दूकस होता है कि कद्दूकस होता है हम कद्दूकस बोलते हैं कस कद्दूकस कुछ कुछ लोग बोलते हैं। अब भारत ना मैं बोलती हूँ हरी मुश्क आ रही है स्मेल आ रही है मतलब भारत मुश्क आ रही है और हम बच्चों को बोलते हैं ना चाते भारत के मतलब चात। आप लोग बताना कि आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं। यार मिर्ची के बिना काम नहीं चलता है तो मैं ना अपने लिए मिर्ची भी लाई हूँ और अभी हम बनाएंगे मूंग दाल का चिल्ला। मुझे नहीं पता भारत ने क्या खाना है। और एक ना मुझे कमेंट आया था कि प्रियंका दी जब भारत जीजू आ जाते हैं उसके बाद आपका रूटीन क्या होता है आप शेयर नहीं करते कभी भी नहीं। तो क्या बात है ना कि भारत को कैमरा पसंद नहीं है और उनको अच्छा नहीं लगता हर टाइम कैमरा के अंदर ये वो एक ही तो कमरा है ना और कैमरा हमेशा मैं फिर उनके सामने चला के नहीं रखती हूँ। बट मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा उनको ले लेती हूँ क्योंकि यार ऐसे किसी बंदे को पसंद नहीं है तो ऐसे थोड़ी कि उनको जबरदस्ती आप व्लॉग मिलो तो मैं उनके आने पे व्लॉग बनाती नहीं हूँ। जब वो नहीं होते तब मैं व्लॉग बनाती हूँ तब मैं खुल के बात कर पाती हूँ अदरवाइज ऐसा हो जाता है। कमेंट मुझे कल रात को आया था तो मैं इसका रिप्लाई लिख के मैंने कहा चल व्लॉग में इस पार्ट को इंक्लूड करूँगी। बहुत सारे लोगों की मे भी हो सकता है क्वेरी हो कि हाँ जीजू जब आते हैं उसके बाद आप व्लॉग नहीं बनाते। मैंने बहुत बार बताया कि उनको कैमरा फ्री उनको अच्छा लगता हर टाइम कैमरा लेके घूमते रहो। शुक्र है मेरा कैमरा गुम हो गया मैं फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ फ़ोन का पता नहीं चलता नहीं तो कैमरा हर कोई दिखता है अच्छा ये व्लॉगर होगा जो कैमरा लेके घूम रहा है। क्या खाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कल मैंने खाया था सोयाबीन सोया चंक्स रात को और उससे पिछले दिन तो ब्रेड खाया था मैंने। आज दोपहर में मैंने आलू मटर खाए थे मखाने खाए थे और थोड़ा पनीर खाया था और सैंडविच खाया था। अभी मैंने सोचा नहीं प्रियंका मूंग दाल का चिल्ला बनाता है मुझे मूंग दाल का चिल्ला बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसमें से थोड़ी सी दाल निकालनी है भारत के लिए बनेगी खिचड़ी। लेकिन बनाने से पहले एक बार पूछ लूँ उनको। और यार मुझे इसके ना इंस्ट्रक्शन बताना है मैंने ना वो पैकेट ही फेंक दिया जिसके ऊपर था और किसी ने बोला कि नींबू मैंने बताया था ना कि मैंने नींबू डाल के ऐसे धोया तो बोला कि नींबू के साथ तो रिएक्शन कर जाएगा तो मैं इस बॉटल में अभी पानी नहीं पीऊँगी अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में और पहले मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगी फिर मैं बता मतलब देखूँगी कैसे क्या है ना आपको पता हुआ तो बताना। और इस तरह से मैंने ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको ऐसे रख दिया इस पर मैं खाती हूँ इस पर भारत दोनों हम मिलके खा लेते हैं। यार ऐसा नहीं है कि भारत बुरे इंसान ऐसे ही कि उनको जो चीज़ पसंद नहीं है ना मतलब वो नहीं पसंद है और ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर वो पड़ जाएंगे खाने को अगर मैं कैमरा लेके आऊंगी मतलब आई डोंट नो कुछ अंदर से होता है कि मिक्सर बना के रख ले इसका मैं चिल्ला ही खा लूंगा कर्ड के साथ हॉल फॉर में नहीं खाऊंगा कि मैंने बताया था ना आपको लास्ट ब्लॉग में उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं खा रही हूँ क्योंकि मैंने आज ना फल नहीं खाया जब तक मिक्सर तैयार होगा तब तक मैं एप्पल खा लूंगी मामा होगा। पहले मैंने सोचा ये वाइट वाली टी शर्ट ना निकाल दूँ कुछ ना कुछ लग जाएगा टी शर्ट पे तो मैंने नहीं निकाली मैंने कहा चल वैसे इतने दिन के बाद पहनी है ली तो कब की है फिर मैंने रख लिया ऐसे। और ना मूंग दाल का चिल्ला जरूर ट्राई करना जिसको दालें अच्छी लगती ना वो मूंग दाल का चिल्ला खा सकता है। मेरे को ऐसे डॉक्टर ने बोला कि मूंग दाल का चिल्ले में ना मतलब फॉलिक एसिड वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं तो मतलब आप इसको डेली भी खा सकते हो एक टाइम पे खा ही सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है तो प्लीज यार आप लोग खाना। और अब आपने मुझे अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पे भेजी है मैं आपकी फोटोज को मतलब मोटे वाले पतले वाले को अपने इंस्टा पे जरूर शेयर करूंगी मुझे भेजिए। बट मेरे को ऐसा ना बोल दे अगर दीदी आप शेयर कर सकते हो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलता है या मुझे कोई अपनी फोटो भेजता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं उसको ऐसा ना लगे कि हाँ हमारी पर्सनल लाइफ में मतलब क्यों दिखा रहे हैं ना तो आप मुझे बोल दो कुछ कुछ तो बोल देती थी शेयर कर देता तो मैं शेयर कर देती हूँ लेकिन कभी मुझे लगता है कि यार मतलब वो बोलेंगे क्यों शेयर कर रहे हो तो मुझे थोड़ा इस बात का दिक्कत होती है अदरवाइज कुछ नहीं। आप लोग बोलोगे इतना मोटा मोटा छिलका निकाल दिया यार मैंने बहुत मुद्दत के बाद नेल पेंट लगाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना हाथ ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करना अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना है ना। और
मैं आपके कमेंट्स वगैरह भी जो भी होते हैं ना, जो भी आप मुझे राय देते हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। और मुझे ना किसी ने बोला है कि मेरे से कॉन्टेक्ट करो, आपने फार्मेसी की है, आपको फार्मास्यूटिकल की नॉलेज है। यार मुझे नॉलेज इतनी नहीं है 2013 में, मतलब फार्मेसी की है, कोई एमटेक, मैं एम फार्मा तो नहीं की है, इतनी नॉलेज नहीं है, टच में भी नहीं हूँ मैं, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फील्ड से रिलेटेड मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं देखती हूँ कोई मेरी हेल्प कर पाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए। ऐसे तो भारत देते हैं गाइडेंस, पर भारत को ऐसा लगता है कि जब मैंने तेरे को बोला कि तू जाके कर ले, फिर तू कर क्यों नहीं रही है, फिर ड्रामे क्यों कर रही है कि हाँ मेरा पति अकेला है, ये वो, है ना। तो वही सब चीजें हो जाती है यार। पता नहीं यार मेरे को क्या चीज रोक रही है। एक तो मुझे ना थोड़ा टेंशन हो जाती है इसमें, घर पे होती हूँ जब मैं जाती हूँ करने के लिए, मुझे लगता है कि नहीं मुझे मेरे घर को भी देखना है, लाइक ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है मेरे मन में। गाइस प्लीज, मुझे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ एक ऐसी चीज की जरूरत है जो मेरी आंखें खोल दे मेरी, मतलब कुछ ऐसा हो। ऐसे तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, बट कुछ ऐसा होना कि आप मुझे मोटिवेट करो। अब मैंने देखो इसके ढक्कन भी रख लिया, मैंने कहा चलो दूसरा ढक्कन क्यों खराब करना। और ना एक चीज बताऊं, ये पीछे जो चार्जर है ना, ये चांदनी लगाती है, हमारा नहीं है, मतलब भारत का वैसे तो। तो एक चीज बताऊं, जब ना मैं 12th के बाद गई थी ना कॉलेज के लिए, मुझे आज भी याद है, मम्मी और प्रीति मेरे को छोड़ने गए थे, मम्मी और प्रीति वापिस आ गए, मैं इतना रोई, मेरे नाक चलने लग पड़ा, मैं नाक साफ करूं, फिर मैं रोई, फिर लड़कियां मेरे को ना मतलब आई चुप कराया लड़कियों ने, मेरी मम्मी बहुत रोई थी कि हाय हमारा बच्चा बहुत दूर चल गया। तो ना मम्मी मुझे छोड़ के गए, उसके दूसरे तीसरे दिन में वापिस चले गई। यार मैं शुरू में ऐसे करती थी, मम्मी मुझे छोड़ने आते रहे चंडीगढ़, तो मैंने मेरे को उल्टियां लगी होती थी, मैं जानबूझ के 2-3 और उल्टियां करती थी, मम्मी मुझे वापस ले जाते थे। हाय मम्मी के साथ रहने को मन करता था। तो मुझे अब ऐसा लगता ना यार, ये वही वाला टाइम है कि हमें ना जिंदगी में ना, फिर धीरे धीरे आदत तो पड़ गई थी रहने की, बट हमें जिंदगी में ना मतलब कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो पेरेंट्स को घर को तो छोड़ना ही पड़ता। अभी देखो हम कितनी दूर आ गए, बट ये कि भारत मेरे साथ है अभी और मैं भारत के साथ हूँ। बट मुझे सबसे ज्यादा पता है कौन डराता है, भारत की मम्मी बहुत ज्यादा डराते हैं मुझे। मेरी मम्मी नहीं ऐसे डराते ना, भारत डराते, भारत की मम्मी भी बहुत डराते हैं, हाय कुछ हो गया प्रियंका क्या करना है ना, तू कर तो रही है यूट्यूब, अब क्यों कुछ और करना है ना। मैं मम्मी भारत भी तो PhD कर रहा है, तो मैं सोच यार मेरे को ना कुछ करना है, मुझे पता है एक ना एक दिन यूट्यूब बंद होगा या कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, आपके हाथ में आपके हुनर होना चाहिए। और वो फार्मेसी है, अगर फार्मेसी मैंने ठीक है 2013 से लेकर 2022 तक गैप है, लेकिन अगर मैंने और गैप डाला ना तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी डिग्री कुछ नहीं, मेरी डिग्री मेरे काम नहीं आएगी। तो मेरे को ये चीज खलती है अंदर से, ठीक है आज हर कोई यूट्यूब कर रहा है, लग रहा है कि नहीं यूट्यूब ठीक है, बट ये परमानेंट सोर्स नहीं है पैसे कमाना। मतलब मैंने जो किया है, मुझे मेरे को अंदर से खलती है वो चीजें, जब मैं देखती हूँ सब कोई पढ़ रहा है, सब कोई कुछ कुछ कर रहा है, तो मेरे को होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब जिंदगी में ना अपने कुछ बनना है। यूट्यूबर तो बन गई, बट पत्नी भी बन गई, पर अभी मुझे माँ भी बन गई है ना, फट अभी मुझे मेरे दोनों नाक बंद हो गए कि मैंने AC चलाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि एप्पल खाया 15-20 मिनट रुक के तब मैं बनाऊ, अदरवाइज एक तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक डाइटिशियन का कोर्स कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी डाइटिशियन बन सकती हूँ, है ना। मुझे मेरी जिंदगी में ना ऐसे कुछ खली खलबली हो रही है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मतलब ऐसे कुछ ना करके दिखाना, एक जिद एक जुनून है कि बस प्रियंका कर ले। जो रोकते हैं ना मुझे भारत की मम्मी है, मुझे मैं ये नहीं बोल रही मदर इन लॉ गलत है, उनकी भी ठीक है, उनको चिंता हो जाती है आजकल। जैसे मैं फोन खोलती हूँ, मुझे सारी सैड न्यूज, ये हो गया वो हो गया, वही चीजें आ रही है, एक्सीडेंट्स के ही आ रहे हैं। अब मैंने जस्ट देखा, एक मदर थी, उसके बेबी नहीं रहा, एंड पटियाला में एक न्यूज आई थार के नीचे आके, ऐसे है ना बहुत सारी खबरें मुझे आ रही है, और यहाँ पे पानी के कारण ये हो गया वो हो गया, तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ गाइस। और मैं जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो मेरा दिल बड़ा हल्का होता है, जब मुझे फिर लोग इंस्टा पे बताते हैं प्रियंका दीदी हम ऐसे अपने पति को छोड़ा, फिर मैंने ऐसे किया, मैंने तो अपने बेबी को अपने मदर के पास छोड़ा था, मैंने ऐसे किया, फिर मैं सक्सेसफुल हुई, एंड आज का दिन है कि मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और मैंने इतनी सारी चीजें अचीव करी। अपने आप में एक गर्व होता है ना यार। टिकटॉक बंद हुआ ना, यूट्यूब भी एक दिन बंद जरूर होगा, ये मुझे लगता है, मुझे पता है, मतलब मैं कोई यूट्यूब की सेक्रेटरी नहीं हूँ।
बट कुछ आपके पास होना चाहिए। जितने भी यूट्यूबर है ना, मैं बोलूँ आप अपनी फील्ड को साथ में रख के यूट्यूब करना, ऐसा नहीं फील्ड से हट के बस अकेला यूट्यूब। बट यार कुछ करने के लिए घर से दूर जाना, अपनों से दूर तो जाना ही पड़ता है। यार इसका ना एक पेज ढीला हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या लगाऊं। मतलब इस ये उल्टा करके मैं इसको सेटिंग करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कोई पेचकस नहीं है। एनीवेज हम लोग अपना चिल्ले की प्रिपरेशन करते हैं। क्या है ना कि थोड़ा मुझे ना मिक्सचर वो चाहिए पतला। ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार, बंद करके रखूं। ये है मेरा नाइट सूट और ये इनका मैंने निकाल के रख दिया। ये पहनूं मैं बहुत दिनों के बाद, आज मैं इसको पहन रही हूँ। लोग पूछते हैं कहाँ से लिया है, हैं कहाँ से लिया मैंने ये, इसके ऊपर तो है ही नहीं ये लिखा हुआ। ये मैंने क्लोविया से लिया है, यार इस पे लिखा ही नहीं है, क्लोविया से लिया ये मैंने नाइट सूट। जब ना मैंने पहली बार ऐसे बनाया और पलटा था ना, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की कि लोग बोलते थे कुछ नहीं बनाना आता, कुछ नहीं बनाना आता, कहा ये वाह मैंने तो चिल्ला ही बना लिया मूंग दाल का। वो भी हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटी बात है, बट किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। किसी को ना कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए गाइस, इंसान पता नहीं कब क्या कौन सा चिल्ला बना दे। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चाय पीते रहो, चिल्ले खाते रहो, जो आपको पसंद है वो खाओ यार, पूरी आलू छोले रोटी मक्की की रोटी जो भी, व्हाटएवर। बाय बाय।